What's up YouTube, I'm Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, आज का topic है importance of 5S. बहुत ही important topic है. Video पूरी देखना. अगर आपने ये video पूरी देखी ना, तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपकी batting बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. चलिए video को शुरू करते हैं. 5 बहुत ही important 5S. अब आप लोग सोचोगे 5S होते क्या हैं? अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि 5S होता क्या है. सबसे पहला है स्टांस. आपका जितना अच्छा स्टांस होगा ना, आप उतनी अच्छी बैटिंग कर सकते हो. आपको स्टांस कैसे रखना है, आपको अपने जो आपका लेग्स हैं उन्हें अपने शोल्डर लेवल पे रखना है. अगर आप थोड़ा पास रखोगे और आप ड्राइव मारोगे या कोई आपको पुश कर देगा तो आप संभल नहीं पाओगे, स्टेबल नहीं रह पाओगे. पर अगर आपके दोनों लेग्स शोल्डर लेवल पे हैं तो आप स्टेबल रह पाओगे, आप आराम से आगे जा सकते हो, आराम से पीछे आ सकते हो. पर अगर जो पैर अगर जुड़े होंगे, आप उसमें ना आगे जा पाओगे ना पीछे, तो आपको दिक्कत होगी. और ज़्यादा वाइड में भी स्टेबिलिटी तो रहेगी, पर आप ज़्यादा ना आगे जा पाओगे और बॉल अगर छोटी होगी तो आप पीछे एकदम नहीं आ पाओगे. तो आपको क्या करना है, आपको अपने शोल्डर लेवल पर रखना है. फ्रेंड्स, दूसरा एस है सेटअप. कुछ लोगों को नहीं पता कि सेटअप क्या होता है. सेटअप होता है बैट को होल्ड करने का तरीका. वी अपॉन वी, आपको वी शेप में बैट को होल्ड करना है. मैं बताता हूँ कि आप वी शेप में कैसे कर सकते हो. आप बैट को नीचे रख सकते हो, नीचे रख के जो आपका इसे वी बोलते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ ग्लव्स रिमूव करके कि आपको कैसे करना है. ये जो होता है ये वी होता है. तो आपको क्या करना है, आपको अपने पहले बैट को बॉटम हैंड से उठाना है ऐसे, और फिर आपको दूसरे हाथ से नीचे रखना है. तो आप प्रॉपर देख सकते हो वी अपॉन वी, मतलब एक वी के ऊपर इस वी के ऊपर दूसरा वी. तो आप ऐसे चेक कर सकते हो. ये होता है सेटअप और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आप बैट को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाओगे तो आप जब शॉट खेलोगे तो आपका शॉट बैट हाथ में घूम सकता है, शेप में नहीं आएगा. या तो जैसे आप ड्राइव मार रहे हो तो जब कभी कभी आप देखते होंगे जब आप ड्राइव मारते हो तो बैट हाथ में घूम जाता है. वो इसीलिए होता है कि आपने कभी कभी बैट अच्छे से होल्ड नहीं करा होता. तीसरा एस है शोल्डर. शोल्डर क्या होता है, जब आप अपने स्टांस में खड़े हो, प्रॉपर स्टांस है आपने, पहला एस स्टांस, फिर सेटअप कर लिया, उसके बाद आता है शोल्डर. आपको क्या करना है, जब आप बैटिंग करते हो तो आपका जो शोल्डर है वो हमेशा, जो आपका हेड है वो हमेशा आपके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर होना चाहिए. लेफ्ट शोल्डर के ऊपर होने से क्या फ़ायदा होगा, जब आप शॉट खेलोगे तो आपकी बॉडी गिरेगी नहीं. देखो मैं दिखाता हूँ, अगर आपकी आपका जो हेड है अगर वो शोल्डर से दूर होगा, बॉडी से दूर होगा, तो क्या होगा, अगर बॉल दूर है और आप ड्राइव मारने जा रहे हो और आप ऐसे खेल रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका जो हेड है वो गिर जाएगा या बॉल इनस्विंग आएगी. और आप ऐसे खेलने जाओगे तो आप देखते हो LBW या बोल्ड हो जाते हो. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना हेड लेफ्ट शोल्डर पर रखना है. आपको हमेशा अगर बॉडी ना गिरे उसके लिए क्या करना है, जो आपका हेड है वो हमेशा आपको लेफ्ट शोल्डर पर रखना है. इससे आप आराम से लेग स्टंप पे भी खेल सकते हो, ऑफ में भी खेल सकते हो और ड्राइव भी कर सकते हो. तो फ्रेंड्स ये हो गया तीसरा. फ्रेंड्स फोर्थ एस है स्टॉप. स्टॉप मतलब बॉल को डिफेंस करना. मैंने आपको हमेशा बताया है, एक वीडियो भी बनाई थी डिफेंस के ऊपर. आपको आप जब भी डिफेंस करोगे तो हमेशा आपको प्रॉपर डिफेंस करना है, पूरा रीच करना है और साथ में डिफेंस कभी भी बैट एंड पैड नहीं करना, मतलब पैड के पास नहीं रखना डिफेंस करते टाइम. बॉल हमेशा एक तो आपकी आइज के नीचे होनी चाहिए डिफेंस करते हुए टाइम, और कभी भी बैट को पैड के पास नहीं रखना. इससे क्या होगा, अगर बॉल स्पिन हो रही होगी या इनस्विंग हो रही होगी पैड पे लगेगी तो आप जब से DRS आया है तो आप आउट हो जाओगे. तो आपको क्या करना है, आपको बैट को पैड के आगे रखना है. इससे क्या बेनिफिट है, एक तो अगर पैड पे लगेगी भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को ही मिलता है. एक तो वो LB होने से बचेगा, दूसरा अगर पैड पे नहीं लगेगी तो बॉल प्रॉपर आपके बैट पे लगेगी, तीसरा अगर आप लूज हैंड से डिफेंस करोगे स्पिनर पे
या फास्ट बॉलर पे भी और एज लगेगी तो बॉल कम चांस है स्लिप में कैरी होने के। तो आपको हमेशा प्रॉपर डिफेंस करना है, पूरी चाहे फ्रंट फुट पे करो पूरा रीच करना है और चाहे बैक फुट पे करो। तो हमेशा आपको जो बैट रखना है वो पैड के आगे रखना है। फिफ्थ एस है फ्रंट शॉट, आपने सारे एस देख लिए। पांचवा हो गया शॉट, शॉट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो शॉट खेलते हुए आपको क्या करना है, अगर आप ड्राइव खेल रहे हो तो आपको हमेशा प्रॉपर पैर निकाल के ग्राउंडेड खेलना है ड्राइव। शॉट हमेशा ग्राउंडेड खेलना है और कभी भी बैट को अपनी बॉडी से दूर नहीं फेंकना, पहले बॉल का वेट करना है, जब बॉल आपके पास आ जाए तब आपको ड्राइव खेलना। और हमेशा कोशिश करें कि बैट को ऐसे रखें, नीचे की साइड रखें। अगर आप ऐसे ऊपर रखोगे ड्राइव मारते हुए तो इसमें क्या होगा, अगर बॉल मिडल पे नहीं लगी, एज वगैरह पे लगी, बॉटम पे लगी सॉरी या थोड़ा ऊपर लगी तो कवर्स वगैरह पे कैच होने के चांस है। तो जब आप शॉट खेलो, चाहे आप कवर ड्राइव मार रहे हो, स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हो या कट मार रहे हो, पुल मार रहे हो, कुछ कोई भी शॉट मार रहे हो, हमेशा आपको बैट नीचे की साइड रखना है। मतलब ड्राइव मारते हुए नीचे, कट मारते हुए नीचे की साइड, पुल मारते हुए नीचे की साइड। इससे क्या होगा, आउट होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि एक तो बॉल पे आपका जो कंट्रोल है वो पूरा रहेगा और आप अपनी मर्जी के हिसाब से फिर शॉट को चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ड्राइव खेलने जा रहे हो और बॉल थोड़ा रुक के आ रही है तो आप थोड़ा सा ऐसे बैट को रोटेट भी कर सकते हो या रोक भी सकते हो, पर अगर एक बार आपने बॉडी से दूर खेला और ऐसे चले गए तो उसमें आपका बॉडी से कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 S हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट S हैं। जब भी आप बैटिंग करो नेट्स वगैरह में या मैच में तो आप इन पांचों चीज़ का ध्यान रखो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इन पांचों का ध्यान रखोगे ना तो आप बहुत सारे रन बना सकते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी।